अब खबर भिवानी से है, जहां माइनिंग साइट पर हादसा हुआ। मृतकों की संख्या बढ़ गई है और अब यह आंकड़ा 4 का हो गया है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गृहमंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गई है। हिसार से आर्मी की एक यूनिट भी बुलाई गई है। दरअसल पहाड़ दरकने से हादसा हुआ, कई लोग इस दड़के हुए पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान चल रहा है। मौके पर खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे थे। रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, हादसे के फौरन बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें आप कृषि मंत्री को देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि रात हो गई है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। पत्थर हटाए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। हादसे की डरा देने वाली यह तस्वीर देख आप भी सहम जाएंगे। तस्वीरें भिवानी की हैं, जहां खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसक गया और मौके पर मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। लोग ही नहीं, मलबे में कई वाहन भी दब गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। चीखें सुनते ही आसपास काम कर रहे मजदूर साथियों को बचाने दौड़ पड़े। मौके पर जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं। घटना के फौरन बाद कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर नजर आए। इसमें कुछ लोगों की जान गई है, 3 लोग हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, और यहाँ जो ठेकेदार की बताने के हिसाब से लग रहा है कि 3-4 आदमी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की सही संख्या का नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है तो फंसी हुई गाड़ी है पत्थर काट करके निकालें, और डॉक्टर की टीम आ गई है, हमारे सीएमओ भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई है। किसी भी जान माल को अगर बचा सकते हैं जान को, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस बात को दी जाए, और सारे प्रशासन को आदेश दे दिया गया है कि सारी जो मशीनरी है, सारे सामर्थ्य है डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से कोशिश कर करके, और जो बच्चे नीचे कोई भाई दबाया हुआ है उसको निकालने की कोशिश करें। ये खौफनाक हादसा, कई लोगों की जिंदगियां निकल गया। कई नेताओं ने हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हादसे को लेकर किए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी दी। हादसे को लेकर हर कोई स्तब्ध है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। दूसरी तरफ विपक्ष भी हादसे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्ष ने हादसे को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठाई है। लगता है 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, क्योंकि उनका बेस खिसका दिया नीचे से और ऊपर से गिरे हैं। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल यूं खड़े हैं पत्थर, और 500-700 फीट गहराई के जब होंगे तो स्वाभाविक है पत्थर ऊपर से गिरेगा, तो वो तो इतना भारी ब्लास्ट है, वो तो एटम बम बन जाता है। बड़ी दुखद घटना है जो बिहानी में जिस तरह का हादसा हुआ है, और कई मजदूर घायल भी हुए हैं, कई साथी हॉस्पिटल में हैं, और मैंने सभी अधिकारी को फ़ोन कर कहा है जाके बचाव कार्य राहत में लगें, जुटें, और जो भी साथी जो पहाड़ जो पत्थर के नीचे है कोई इस तरह के, सबसे पहले हमें लोगों की जान बचानी है, और राहत कार्य पर सभी अधिकारी वहाँ के प्रशासन के अधिकारी सभी इसमें लगे हुए हैं, और इसकी जो भी इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे, जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो है एक पहाड़ के दरकने से जो है उसके नीचे काफी लोग जो है उसके अंदर पता लगा है कि उसके अंदर दबे गए हैं, तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें चल रहा है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उसमें लगा हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 3 उसमें से डेड बॉडीज मिली हैं, और जो कुछ घायल भी हुए हैं उनमें से 3 जो है वो उनकी डेथ हो गई है, और जो वहां मशीनरी पे जो लगे हुए थे और वो जो हैवी मशीन्स होती हैं
उसमें के काम में जो लगे थे उसमें से ही जो कुछ कर्मचारी थे उनके बारे में पता लगा है कि 3 डेथ हुई हैं, और अभी प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके साथ साथ जो जिन लोगों की डेथ हुई है उसके बारे में भी सरकार की तरफ से जो है कुछ अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी पूरी संवेदनाएं जो हैं उनके साथ हैं जिनके परिवारों ने अपने किसी न किसी सदस्य को खोया है, और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। रानी में डाडम में दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और उसका पूर्ण रूप से दोषी यहाँ सरकार है। वो एक हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, कम से कम 5-4 हजार करोड़ घोटाला अकेला वो घोटाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में की भी इस पर टिप्पणी आई, हाई कोर्ट में भी इसकी टिप्पणी आई, उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 10 से 20 लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। तो प्राथमिकता प्रशासन की राहत कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की रहे। मैं ये भी मगर सवाल पूछता हूँ इस समय कि इन लोगों की जान जो चली गई उसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ खनन सारे कायदे कानून और नियमों को तोड़ते हुए ये खनन कार्य किया जा रहा था, ये बातें सामने आ रही हैं। इस खनन के पीछे बहुत कई बड़े व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं जिनके तार उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं हरियाणा में। इसीलिए साथ ही राहत कार्य हो, मुआवजा दिया जाए सभी परिजनों को जिन्होंने अपना कोई खोया आज। तो शाम क्षेत्र के अंदर डाडम पहाड़ी के अंदर जो दुर्घटना हुई है आज, उस बहुत ही बेहद दुखद है। आज नए साल के ऊपर ये ऐसी सूचना मिली, जब और जो मृतक मजदूर भाई हैं उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करती हूँ, और जो घायल हुए हैं उनके भी जल्दी जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उपचार हो उसकी भी मैं कामना करती हूँ, और प्रशासन से जो है ये मेरी मांग है कि उनकी देखरेख फटाफट करी जाए, साथ के साथ जो उचित मुआवजा जो है वो सरकार की तरफ से जो है इन मजदूरों को मिले। तो जो भी इस लापरवाही के पीछे है या जो भी माफिया इस खनन के पीछे जिसके कारण ये हादसा हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ये सरकार कार्रवाई करे, ये जो है मेरी मांग है सरकार से। विपक्ष हादसे को लेकर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, जिस पर भिवानी से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हादसे में लोगों की मौत से कई परिवारों में मातम पसर गया, जहां मृतकों के परिवार को मुआवजे की मांग उठी है, वहीं लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। भिवानी से जगवीर घनगर के साथ, रोहतक से दिनेश कौशिक और चंडीगढ़ से अनिल मोर, खबरें अभी तक।